चुनावी मुद्दा सरकार के द्वारा किए गए काम क्षेत्र में मेरी उपस्थिति और लोगों के सुख दुख में शामिल होना। मैया योजना कितना प्रभावी रहेगा? एक एक घर इस योजना का लाभ मिला है और मैं समझता हूँ ये सबसे प्रभावी योजना है। मैया सम्मान योजना पूरे राज्य में एक नया उत्साह लाया है महिलाओं के बीच में। आधी आबादी जो कभी 10-20 रुपये के लिए तरसती थी, अब उनके खाते में भी 1000 रुपये मिल रहे हैं। दिसंबर महीने से उनको 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया सरकार का अति महत्वपूर्ण योजना है, जिससे महिलाओं के जीवन में एक परिवर्तन आएगा। शहरी क्षेत्रों में बिजली माफी नहीं हुई, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ, ऐसा क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा नहीं है, हो रहा है शहरी क्षेत्र में, जिसका 200 यूनिट से कम खर्चा है उनका हो रहा है। शहर में कई लोगों के हुए हैं, मेरे पास के प्रमाण भी हैं। अच्छा, ऐसा कोई महिला सम्मान को लेकर के विपक्षी का कहना है कि यह छलावा है राज्य सरकार का, क्या बोलेगा इस पर? जिसने खुद छलावा देने का काम किया वो दूसरे को कर रहा है, हम लोग को दे रहे हैं। छलावा तो उन लोगों ने किया था जो गुमराह करने की कोशिश की है। किसी सरकारी योजना का लाभ देने के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होता है, उसमें किसी नेता की तस्वीर नहीं होती है, और ये काम भाजपा ने किया जिसमें उसका चुनाव चिन्ह भी था और प्रधानमंत्री का फोटो भी उसमें लगा था। फॉर्म जिस तरीके से भरे जाते हैं उससे भिन्न, क्योंकि उस फॉर्म का फॉर्मेट जो देखेंगे आप, आपको लगेगा कि केवल नाम पता और मोबाइल नंबर लिया गया था, बेरोजगारी और पलायन नंबर कहीं नहीं था उसमें। और वैसे भी सरकार की योजना जो होती है उसमें फॉर्म भरने का काम और उसका रिकॉर्ड रखने का काम सरकारी अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं। सर, बेरोजगारी और पलायन सर अभी सब मुद्दा सब बना हुआ है, पलायन और बेरोजगारी? नहीं, सरकार ने बहुत हद तक इसको कम किया है। हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के 5 साल के कार्यकाल में काफ़ी कमी आई है, लोगों को गाँव में काम मिल रहा है, विकास काम काफ़ी तेज हुए हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि पिछले 15-20 साल से जिन ग्रामीण सड़कों की मरम्मत नहीं हुई थी आज उनको बनाया जा रहा है। सर, अगले बार पूरा करना चाहेंगे आप? नहीं, राजद के लोग थे मेरे साथ अभी, और अध्यक्ष भी थे, और मोहर जी तो प्रदेश के पदाधिकारी हैं। मोहर जी तो सभा में चले। सर आगे का 3 मुद्दा सर क्या रहेगा? आगे का सर क्या 3 मुद्दा रहेगा जो अगले बार पूरा करना चाहेंगे आप लातेहार के लिए? मैनिफेस्टो आपका क्या? क्षेत्र का चहुंमुखी विकास करना मेरा लक्ष्य होगा, और क्षेत्र में जो समस्याएं तत्कालिक होती हैं उनका समाधान किया जाता है, और विकास के लिए गांव तक पहुंच, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी विषयों पर फोकस किया जाएगा। जीत का अंतर क्या रहेगा? अभी तो जनता तय करेगी, लेकिन अंतर काफ़ी होगा। थैंक यू। स्वतः स्फूर्त है, जनता का समर्थन दिख रहा है, और जब हम लोग चले बजाटा से जुबली से पार कर गए तब भी भीड़ खत्म नहीं हुई थी वहाँ पे, और पीछे से लोग जुड़ते जा रहे थे। तो ये जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये साबित करता है कि राज्य की जनता हेमंत सरकार को दोबारा वापस लाना चाहती है, और इस क्षेत्र में दल के प्रत्याशी होने नाते मेरे प्रति अपार स्नेह है लोगों का। कोई एक बढ़िया काम बताइए जो जीतने के बाद करेंगे, इतिहास रहेगा लातेहार जिला में, कोई एक बढ़िया काम? इतना काम बताया, कॉलेज बना देंगे, कुछ भी एक कह दीजिए। सहायक शिक्षकों को ईपी बजे दिया, सबसे बड़ा 62,000 कर्मचारी उसमें है जिसको हमने ईपी दिया। अच्छा, 3 महीने कार्यकाल में जब से ज्वाइन किए थे, 20-22 साल से लोग काम कर रहे हैं। जब आप विधायक बनते हैं तो मंत्री बनते हैं और शिक्षा मंत्री बनते हैं, कोई एक काम सर जिला शिक्षा के क्षेत्र को एक बड़ा काम बोल दीजिए जितने बात करेंगे अगर जीत गए तो। महिला कॉलेज शुरू करा दिया गया है और मॉडल डिग्री कॉलेज शुरू हो रहा है। जी।